तो कब ने आप ये चैनल बनाया ये थोड़ा बताइए व्यूवर को। मैंने जो है 27 नवंबर को चैनल क्रिएट किया था और उसी दिन मैंने वीडियो डाला था। 27 नवंबर को फर्स्ट ब्लॉग आया था हाँ। जिसका मतलब कि वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक रावत टेक्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि आज हम कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नहीं बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ कि एक आदित्य ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है जो कि 1 महीने पहले ही क्रिएट हुआ है। वो एक छोटा सा बच्चा है, मतलब गांव का, किसी गांव का, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिप लगा दी हूँ। तो फ्रेंड्स, वो बच्चा इतना मेहनत किया और उसके बाद से वो 1 महीने के अंदर ही अपना चैनल को मोनिटाइज कर लिया और आज उसके चैनल पे लगभग 32,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, वो पहले बच्चा, मतलब अभी कुछ 10 दिन पहले उसका उसके चैनल पे मतलब 1,000 बस सब्सक्राइबर थे, ठीक है। वो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो बनाता था, ठीक है। उसके बाद से वो मतलब अपने अपने 1,000 सब्सक्राइबर जो हुए थे उस पर वो सेलिब्रेशन किया। वो घर पे उसको सेलिब्रेशन करने को सोचा, ठीक है। तो उसके बाद से वो बिस्किट्स खरीद कर बिस्किट्स का केक बनाया और घर पे सेलिब्रेट किया, ठीक है। अपने छोटे भाई को, अपने बहन को, मतलब केक बनाकर और खिलाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि सौरभ जोशी और बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उसके वीडियो पे कमेंट किए, ठीक है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए और उसको और मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा उसके चैनल पे मतलब व्यूज आने लगे और वो लड़का और ग्रो करने लगा, ठीक है। अभी उसके सब मतलब चैनल पे लगभग 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। और अच्छी खासी वो वीडियोस बना रहा है और अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं कि उनके वीडियोस पे जाके उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं कि मतलब तुम दूसरे की वजह से मतलब फेमस हुए हो और सौरभ जोशी के वीडियो में भी, और जो क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं आदित्य ब्लॉग से रिलेटेड कि आदित्य ब्लॉग कैसे फेमस हुआ, आदित्य ब्लॉग जो ब्लॉग बनाता है वो कैसे, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आदित्य ब्लॉग के फेमस होने की वजह, उसके कारण, उसके रीजंस जो बता रहे हैं। तो उस वीडियो के कमेंट्स में मैंने देखा कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं कि आदित्य ब्लॉग तो किसी बड़े यूट्यूबर की वजह से फेमस हुआ है, उसके उसको मतलब प्रमोट किया गया है, वो अपने मेहनत नहीं किया, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो भी मेहनत किया था, उसके 1,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तभी जाके वो मतलब फेमस हुआ है और वो सेलिब्रेशन कर रहा था। तो जो बड़े यूट्यूबर हैं तो उनके वीडियो पे कमेंट किए थे तब जाके मतलब उसका ग्रो हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मतलब उस पर कमेंट किए हो कि वो प्रमोट किया गया है, वो मतलब अपने मेहनत पर नहीं गया। तो फ्रेंड्स, वो प्रमोट वो किसी के पास नहीं गया था मतलब हेल्प के लिए, ठीक है। वो अपने आप क्रिएटर जो है उसको मोटिवेट करने के लिए उसके चैनल पे गए और उस पर कमेंट किए, ठीक है। तो इसको प्रमोशन नहीं करते हैं, उसको मेहनत करते हैं और जो मेहनत होती है वो एक दिन रंग जरूर लाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था और आप भी मेहनत करते रहिए, आपका भी चैनल एक दिन जरूर ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।